34 वर्षीय सैम एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। उसने अपने दोस्त से पेनी स्टॉक के बारे में सुना, तो सैम ने कुछ अमाउंट पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जहां से उसे बेनिफिट मिलने लगा। तो उसने और अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिससे उसे और प्रॉफिट हुआ। फिर सैम ने अपनी टोटल सेविंग्स का 50% पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। फिर पेनी स्टॉक्स में एक मैसिव क्रैश हुआ। वो उसे 2 सालों तक रखे रहा, पर प्राइस कम होते चले गए। इसकी वजह से उसे काफी लॉस झेलना पड़ा। जिन इन्वेस्टर्स को पैसों का नुकसान होता है, उनमें प्रॉपर नॉलेज की कमी एक कॉमन मिस्टेक होती है। अगर आप उनमें से एक हैं, तो यही समय है बदल जाने का। हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक रिस्क के साथ आती है। रिस्क मार्केट रिस्क भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क जो कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो। अगर आप रिस्क ले रहे हैं और उसे समझेंगे नहीं और कंट्रोल या मॉनिटर नहीं करेंगे, तो चांसेस हैं कि आप अपना मनी लॉस कराएंगे। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना जरूरी है। आपको हर उस चीज को जानना जरूरी है जो आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। अगर आपको पता होगा तो आपके हारने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा उन लोगों से जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन उस इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जिसे उस बारे में कम जानकारी है। इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे कॉल मनी, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, कमोडिटीज। हर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की अलग टेक्निक होती है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गहरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप उसका पूरा लाभ उठा सके। अन्यथा इम्प्रॉपर नॉलेज आपकी मेहनत से कमाई हुई इनकम का लॉस ही कराएगी। अगर आप 2 लाइंस में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कैसे प्रॉफिट करके देगी, तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में और जानने की जरूरत है।